अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। चारों तरफ हाहाकार है, मजदूरों का रेला सड़कों पर है। दूध मुहे बच्चे लिए महिलाएं चिलमिलाती धूप में किसी तरह बच्चे को बचाने की जुगत में लगी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत की आस दूर तलक दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस की बसों को इजाजत न देकर सरकार ने जता दिया है कि वह आधी अधूरी बसों से मजदूरों को भेजने के पक्षधर नहीं है। सियासत जारी है, मजबूर मजदूरों की परेशानी भी, और एक बड़ी परेशानी इन मजदूरों के घर वापस जाने के बाद जो आएगी वह चिंता की लकीरों को और अधिक गहरा कर रही है। आर्थिक संकट अर्थव्यवस्था को चौपट करने की दस्तक दे रहा है। लॉकडाउन खुला भी तो औद्योगिक इकाइयों को चला पाना मुश्किल भरा होगा। लेबर नहीं होगी, जो होगी भी वह औने पौने दामों पर लेना इन इकाइयों की मजबूरी होगी, यानी आर्थिक संकट में महंगाई और विकराल रूप धारण कर लेगी। अभी हालात ये है कि देश के अनेक राज्यों की सड़कें मजदूरों से खचाखच भरी पड़ी हैं। सरकार ने रेलवे परिवहन सेवाएं जरूर शुरू की हैं, लेकिन भीड़ के इस अथाह नजर आ रहे समुद्र में वे ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। इन परिवहन को पाने में जो दुश्वारियां हैं वह तो है ही। मेरठ के कंकड़खेड़ा क्षेत्र में पुलिस के कहने पर पहुंचे मजबूर मजदूरों को यह कहते सुना गया कि प्रशासन के पास उनके लिए बसें या रेल नहीं है, वह चाहे तो जैसे भी जा सकते हैं, यानी आत्मनिर्भर होकर पैदल ही। सिक्के का यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जिस तरह से और जितनी तादाद में मजबूर मजदूर अपने घरों को जल्द से जल्द लौट रहे हैं, उनका अब काम पर जल्दी से लौट पाना बहुत मुश्किल है। यानी तय मान लीजिए कि औद्योगिक इकाई चलाने व अन्य कामकाज के लिए अब जो लेबर होगी वह लोकल होगी, यानी औने पौने दामों का भी सामना अब इकाइयों को करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी फिलहाल कई इकाइयां ऐसी भी हैं जिन्हें काम पूरा करके जल्द से जल्द देना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे अब मजबूर हैं। कुछ प्रिंटिंग प्रेस ऐसी भी है जिनके पास NCERT व कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करनी हैं। राजस्थान में यह पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जानी हैं, लेकिन अब जब छपाई ही नहीं होगी तो स्टूडेंट्स तक ये पुस्तकें कैसे पहुंचेंगी। पलक प्रिंटर्स के संचालक आशु रस्तोगी का कहना है कि समय पर प्रिंटिंग प्रेस चालू न होने का खामियाजा हर वर्ग को उठाना होगा, स्टूडेंट को भी। प्रशासन ने यदि इकाइयों को चलाने की परमिशन दी भी है तो उन्हें पूरा करने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।